तो देख सकते हैं भाई, इंजन अपना कंप्लीट हो गया है। और एक बार इसके टाइमिंग के बारे में जान लेते हैं। XV500 MHawk, तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये छोटा कट है और ये साइड में बड़ा कट होता है। तो बड़ा कट जो रहता है वो साइड में रखना पड़ता है, ये देखिए इनटेक के साइड। और इस वाले किम का इस पर भी छोटा कट होता है और ये बड़ा कट एग्जॉस्ट के साइड रखना होता है, ये देखिए बड़ा कट। और इसमें एक स्केल पट्टी डाल के लेवल करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए स्केल पट्टी है, तो इसको यहाँ पे बीच में ऐसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया, इस कैम पे बराबर है एकदम। और ये देखिए इस वाले इस पर भी लेवल है। तो अपना ये जो है कैम शाफ्ट का टाइमिंग कंप्लीट है। और एक बार पीछे से दिखाता हूँ, अगर वैसा ना मिला पाए तो पीछे से भी काफ़ी लुक देख के मिला देते हैं। ये देखिए ये एस और बी जो लिखा है ये ऊपर की साइड रहेगा, छोटा कट लेवल रहेगा, ये देखिए। और इसमें भी इसके अंदर भी देखिए छोटा कट ऊपर रहेगा, लेवल रहेगा इसके हेड के बराबर एकदम। तो ये अपना पीछे से भी मिला सकते हैं और आगे से वैसा मिला सकते हैं। और क्रैंक का दिखाते हैं, तो क्रैंक शाफ्ट का ये चाबी ऊपर रहेगा और पिस्टन एक नंबर पोजीशन पे रहेगा टॉप पे, और एक लॉक इधर भी रहता है और एक लॉक यहाँ पे रहता है, ये भी देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक लॉक रहता है, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक लॉक रहता है। तो इसमें भी अपन बोल्ट वगैरह लॉक कर सकते हैं 17 नंबर का। तो टाइमिंग यही थी, XV500 MHawk इंजन। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चाबी है, ये न्यूट्रल है, सेल्फ मारते हैं, देख सकते हैं गाड़ी अपनी कंप्लीट चालू हो गई है, कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं है। तो देख सकते हैं गाड़ी अपनी कंप्लीट चालू हो गई है। तो इसमें इंजन का काम किए थे, बहुत ब्रेक कंप्रेसर मार रहा था, अभी देखिए थोड़ा भी कुछ नहीं ब्रेक वगैरह है, सब सही हो गया एकदम कंप्लीट। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Mahindra XT 500.